मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह मेरी बदगुमानी को माफ फरमाए। मैं अपने यहाँ के हालात के एतबार से और सिचुएशन के एतबार से बताता हूँ, झारखंड हो या हिंदुस्तान के मुसलमान हो, 90% मुसलमान ऐसे हैं जो पंच वक्ता नमाज नहीं पढ़ते। 90% मुसलमान, ये कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं आप? सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में एक बुढ़िया जो खुद मेहनत करती थी और मेहनत की कमाई खाती थी, वो एक बार सुबह को निकली, मेहनत की, कुछ कमाया, उससे तेल खरीदी, तेल खरीद करके वो घर की तरफ लौट रही थी, ठोकर लगी, हाथ से तेल गिर गया, जमीन के अंदर जज्ब हो गया, आई फारूक आजम के पास, अमीरुल मोमिनीन, मेरा तेल मेरे हाथों से गिर गया और जमीन के अंदर जज्ब हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम ने फरमाया, बैतुल माल से इस बुढ़िया को तेल दे दिया जाए। बुढ़िया कहती है, अमीरुल मोमिनीन, मुझे बैतुल माल वाला तेल नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वही तेल चाहिए जो मैंने मेहनत से कमाया था। फारूक आजम ने फरमाया, तेल तो जमीन ने जज्ब कर लिया, अब तेरा तेल तुझे जमीन कैसे लौटाएगी? उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम उस जगह पहुंचते हैं जहां उस औरत का तेल गिरा था। जानते हैं, उस जमीन के पास पहुंचने के बाद ठोकर मारते हैं और जमीन से कहते हैं, ऐ जमीन, इस बुढ़िया का तेल लौटा दे, वरना तुझ में एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। इतना कहना था, जमीन ने तेल लौटा दिया। मुझे बताओ, जमीन भी बेनमाजी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं? जिस गौसे पाक की मोहब्बत का दम भरते हो, गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। आप मुझे बताओ, इतने गुनाह करने के बाद क्या कभी तौबा का ख्याल आया? कभी रब को मनाने का ख्याल आया? कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का डर दिल में पैदा हुआ? नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों हालात बड़े बद से बदतर और बहुत बुरे से बुरे इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। अगर आज हमने तौबा नहीं की, आज अल्लाह की बारगाह में हमने रुजू नहीं किया, तो याद रखें, दुनिया की कोई ताकत तबाही से नहीं बचा सकेगी, दुनिया की कोई ताकत बर्बादी से नहीं बचा सकेगी। आज हमारा हाल ये है, हम गुनाह करके कहे लगाते हैं और बुजुर्गाने दिन नेकी करके भी डरा करते थे, उनकी आंखों में आंसू हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह को, जिस जगह पर आज उनका मजार मुकद्दस है, 6000 कुरान शरीफ उन्होंने उस जगह पर पढ़े हैं बैठ करके, जहां आज उनका मजार मुकद्दस मौजूद है। 40 साल तक खड़े रहकर ईशा के वुज़ू से उन्होंने फज्र की नमाज अदा की है। यह है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह। लेकिन आप जानते हैं, एक मर्तबा मस्जिद में नमाज के अंदर मौजूद थे, इमाम ने मस्जिद में नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब इस सूरह मुबारका की तिलावत की, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ध अथक़ालहा व क़ाला अल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, हजरत इमाम आजम की आंखों से आंसुओं की झड़ी, आंसुओं की लड़ी, आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। अल्लाहु अकबर, नमाज खत्म हो जाती है, मस्जिद का दरवाजा बंद करने का वक्त आता है, सारे मुसल्ली मस्जिद से जब निकलते हैं तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मस्जिद के खादिम से फरमाया, रुक जाओ, एक काम करो, मुझे आज की रात मस्जिद में रहने दो और तुम बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाओ। उसने कहा, ठीक है। इमाम आजम मस्जिद ही में रह गए और वो बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया। वो इमाम आजम जिनका दामन नेकियों से तर ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के वो मुस्तहिक ठहरे। लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं, पूरी रात इमाम आजम मस्जिद के अंदर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर गिरियोजारी फरमा रहे हैं, यहाँ तक कि सुबह जब फज्र का वक्त हुआ और खादिम ने मस्जिद का दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है, इमाम आजम अपनी दाढ़ी को पकड़े हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं, ए अल्लाह, अगर तूने नौमान को बख्श दिया तो
ये तेरा बहुत बड़ा कर्म होगा। ये कौन कह रहा है जिसके दामन में हजारों कुरान का सवाब लिखा हुआ है? आज हम तो कुरान पढ़ते भी नहीं, हम तो कुरान देखते भी नहीं। अगर मैं ये सवाल पूछूं तो शायद बहुत ज्यादा लोगों को शर्मिंदगी होगी। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं, कितने दिन हुए हैं कि आपने कुरान नहीं देखे? आप में से बहुत सारे ये बताएंगे जमाना हुआ कुरान नहीं देखा। बहुत सारे कहेंगे हमें पढ़ना नहीं आता। अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक साहब ने मुझे फोन किया, हजरत मेरी रिपोर्ट आई है, शुगर मेरी बहुत हाई हो गई है, हजरत कोई नुस्खा बताएं। मैंने कहा सुनिए, नुस्खा ये है, आप रोजाना पाव पारा कुरान शरीफ की तिलावत करें, शुगर लेवल पर आ जाएगी। उसने बहुत माजरत के साथ कहा, हजरत मेरी उम्र 50 के करीब तो हो चुकी है लेकिन मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाह अकबर। वो कौम जिसको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, वो कौम जिसको नमाज के मसाइल भी नहीं आते, वो कौम जिसको नमाज का तरीका भी नहीं मालूम, वो कौम जिसको सूरह फातिहा भी नहीं मालूम, वो कौम जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के बारे में अकीदे के एतबार से कोई वाकिफियत नहीं, अगर वो कौम इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारती रही तो आप मुझे बताओ अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे, अल्लाह की बारगाह में किस तरीके से हाजिर होगे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में कैसे जवाब दोगे? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बड़ी प्यारी बात किसी बुजुर्ग ने फरमाई है, मुझे इतनी अच्छी लगी कि आज दिन भर में उसी बात को सोचता रहा और मुझे लगा कि आज मैं तकरीर करने की बजाय यही बुजुर्ग वाली बात में कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। लेकिन बहरहाल जलसा सजाने वालों ने जलसा सजाया, आपसे पूछा गया, आपने गुफ्तगू सुनने का इरादा जाहिर किया, मेरी जिम्मेदारी बन गई मैं कुछ बातें आपके समातों के हवाले करूं। कुछ याद रहे या न रहे, ये जुमला जरूर याद रखना। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस तरह पैदा जब तुम हुए थे और पाक थे, पैदा हुए थे तब तुम पाक थे, कोशिश करो कि मरते वक्त भी तुम पाक रह करके मरो। पैदा हुए थे तो पाक थे, कोशिश करो कि मरते वक्त भी पाक मरो। आप सोचते होंगे कि पैदा होने के बाद तो गंदगी लगी रहती है। खुदा के बंदो सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिसके हज को कबूल फरमाता है, जिसे हज मबरूर की सआदत अता फरमाता है, वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। पता चला माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा पाक होता है, तो जिस तरह हम आने में पाक रहे, दुआ करो अल्लाह जाते वक्त भी हमें पाक रखे ताकि हम पाक होकर इस दुनिया से गुजरें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ठंडे दिमाग से सोचो, दिलो दिमाग को हाजिर कर सोचो, कितनी गुनाहों की गंदगियां हमारे वजूद पर लगी हैं। कभी कभी तो हम नौजवानों से कहते हैं, चलो नमाज पढ़ने, हजरत हम नापाक हैं, अल-अयाज़ु बिल्ला, खड़े रहकर कहीं पेशाब कर रहे हैं। मुसलमान और नापाक, मुसलमान और गंदा, मुसलमान और इस तरीके से जिंदगी कहां जा रहे हो? आप जरा सोचो, ये झारखंड के इलाके के अंदर बहुत सारे कारोबारी लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन इतने नौजवान यहाँ पर, इतने नौजवान आपको, बहुत सारे नौजवान ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ भी नहीं आता, बस उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम, तुम मुसलमान हो, बहुत कीमती हो, अपना मकाम समझो, अपना मर्तबा समझो, कुछ सीख लो, दीन सीख लो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सीख लो। जानते हो आप, मैं बहुत जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, उलमा बैठे हुए हैं, मेरी गलती होगी तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे। दारुल उलूम कायम करना ये फर्ज किफाया है, लेकिन मकातिब कायम करना ये फर्ज आइन। ये जुमला याद रखिएगा, दारुल उलूम कायम करना फर्ज किफाया है, लेकिन मकातिब कायम करना ये फर्ज आइन है। इसलिए कि दारुल उलूम के अंदर एक आलिम बनेगा और आलिम बनना फर्ज किफाया है, लेकिन मकतब के अंदर पहुंचकर जरूरियात जितना इल्म हासिल करना ये फर्ज है। आज हमने मकातिब पर तवज्जो नहीं दी, आज हमारी कौम के बच्चे गली कूचों के अंदर भटकते घूम रहे हैं, हमारे पास मकतब नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, आप लोग हमें बुलाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हजरत सैयद साहब कबला को बुलाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, शौरा को
बुलाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, महफिल सजाते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन मेरी गुजारिश को कबूल कर लो, खुदा के लिए आप अपने इलाकों के अंदर मोहल्ले मोहल्ले में मकतब कायम करो, ताकि आपका बच्चा कुरान सीख ले, आपका बच्चा नमाज सीख ले, आपका बच्चा वुजू का तरीका सीख ले, आपका बच्चा कुरान पढ़ना सीख ले। अगर आपने ये इंतजाम नहीं किया और आपने इतने बड़े बड़े जलसे किए, आपका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ना नहीं जानता तो आप मर जाएंगे, वो आपको इसाले सवाब करने की ताकत नहीं रखेगा। आप जरा सोचो तो सही, कहां जा रही है हमारी कौम, किस तरफ जा रही है। और याद रखो, मुसलमानों के सीने से इस्लाम के निकलने की पोजीशन अगर ये है, मैं कहूं तो गलत ना होगा कि टिमटिमाते दिए की तरह इस वक्त मुसलमानों के सीने में इस्लाम है। बहुत सारी गैर इस्लामी जो है आदतें और रस्म और रिवाज हमारे माशरे में दाखिल हो चुकी हैं और हमारे मुसलमान को इसके बारे में कोई इल्म भी नहीं है। मुसलमानों, होश के नाखून लो, इस्लाम की तरफ आओ, इल्म की तरफ आओ, गली गली और कूचे कूचे के अंदर मकातिब कायम करो, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को मसाइल सिखाओ, अपने बच्चों को उर्दू सिखाओ। जितना इल्म हासिल करना फर्ज है वो इल्म सिखाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे की नमाज दुरुस्त हो, ताकि तुम्हारे बच्चे का कुरान दुरुस्त हो, ताकि तुम्हारा बच्चा इल्म दीन से आरास्ता हो जाए। अगर इस पर तुमने तवज्जो नहीं दी तो याद रखना, मैंने एक वाकया सुना था, बड़ा अजीब वाकया है। एक बुजुर्ग थे जिनको अल्लाह ने बुजुर्गी भी अता फरमाई थी और माल भी बेपनाह अता फरमाया था, लेकिन औलाद की पोजीशन ऐसी थी कि माल की मोहब्बत उनके दिल में बेपनाह थी। बाप से भी मोहब्बत करते थे लेकिन माल से बाप से ज्यादा मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर, बाप ने सोचा और देखा कि जरा दुनिया वालों के सामने दुनिया की मोहब्बत को जो है वो आश्कार करके बता दूं कि दुनिया के लोग माल से कितनी मोहब्बत करते हैं और आज का माहौल कितना खराब हो चुका है, ये बताने के लिए। जब उस बुजुर्ग को ये महसूस हुआ कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने वसीयतनामा लिखा और वसीयतनामे में ऊपर लिख दिया कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मेरे जनाजे को जब रखा जाए तो सबसे पहले नमाज जनाजा से पहले इस पर्चे को, इस लिफाफे को खोला जाए और पढ़ करके सुनाया जाए। क्योंकि बुजुर्ग के पास माल बहुत था, बेपनाह माल था, सब जानते थे कि इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं। लेकिन जब जनाजा रखा गया, इमाम साहब भी मौजूद थे, तो बेटा दौड़ता हुआ आया। बड़े बेटे ने कहा, इमाम साहब रुक जाइए, मेरे अब्बा का वसीयतनामा मौजूद है। अब्बा ने वसीयतनामा दिया था, इसको पढ़ करके सुना दीजिए। इसमें लिखा, मेरे वालिद साहब ने वसीयतनामे के सिलसिले में एनवलप पर लिखा था, लिफाफे पर, कि जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा रखा जाए तो जनाजा पढ़ने से पहले इस वसीयतनामे को पढ़ा जाए। इमाम साहब ने खोला, उसमें वसीयत लिखी हुई थी, जिस शख्स को मेरी दौलत चाहिए वो मेरी नमाज जनाजा न पढ़े, जिस शख्स को मेरी दौलत चाहिए वो मेरी नमाज जनाजा न पढ़े। बड़े मालदार थे, बेशुमार लोग नमाज जनाजा में आए थे, लेकिन जब वसीयत सुनी, एक एक करके सब खिसकने लगे, एक एक करके सब खिसकने लगे। जब देखा कि अब तो बच्चे ही रह गए, बाकी सब साइड पे खड़े हो गए, तो बच्चों ने सोचा कि गैर लोग जब मेरे बाप का माल ले जाएंगे तो हम तो ज्यादा हकदार हैं, बेटे भी खिसक गए, बेटे भी खिसक गए। एक साहब तशरीफ लाए, इमाम साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे, नमाज जनाजा का। मरने वाले ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ने से पहले वसीयत नामा पढ़ के सुना देना। मैंने वसीयत नामा पढ़ करके सुनाया, सब खिसक गए। ये है दुनिया। अगर अपने बच्चों के लिए आपने माल छोड़ा और दीन नहीं छोड़ा, यही हाल होगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे माँ बाप के मरने का इंतजार और दुआएं करते हैं ताकि इनकी दौलत के ऊपर कब्जा किया जा सके। कहां जा रहे हो? आज झारखंड का इलाका, आप लोग, आप में से बहुत सारे खुशहाल ऐसे हैं जो चाहें तो कई मकातिब इलाकों के अंदर कायम कर दें। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, अगर आज आप लोगों ने मकातिब कायम नहीं किए तो आपकी नस्लों के अंदर इस्लाम बाकी रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, यानी बहुत मुश्किल। मैं इतना बड़ा मजमा है,
अगर मैं इस मजमे में से किसी से पूछूं कितने लोग कुरान सही तौर पर पढ़ना जानते हैं, वल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूं शायद ही कुछ लोग हाथ उठा पाए। नहीं जानते कुरान पढ़ना। जब आप नहीं जानते आपकी नस्लें क्या जानेंगी, और जब कुरान नहीं जानेंगे तो आप मुझे बताइए नमाज कैसे दुरुस्त होगी, और जब नमाज दुरुस्त नहीं होगी तो फिर आप मुझे बताइए अंजाम क्या होगा। खुदा के लिए होश के नाखून लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ पलट आओ, गुनाहों से रिश्ते को तोड़ो, दीन से रिश्ते को मजबूत करो। जब आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम दीन हक कॉन्फ्रेंस रखा है तो दीन की तरफ पलट आओ ना। कभी आपने सोचा इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन ने अली अकबर की कुर्बानी दी, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन ने अली असगर की कुर्बानी दी। क्या पहुंचाना था हम तक? क्या माल पहुंचाया इमाम हुसैन ने? नहीं, इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटाकर हम तक दीन पहुंचाया। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, यूं नहीं कहा गया, इसीलिए कहा गया। अगर आज ताजदारे करबला ने जान न दी होती तो इस्लाम का हसीन चेहरा हमारे सामने न होता। मैं पूछना चाहता हूँ इमाम के नाम पर खिचड़े की नियाज गाने वालों, इमाम के नाम पर जलसे मुनाकिद करने वालों, इमाम की कुर्बानी दीन के लिए थी, तुमने दीन के लिए क्या किया है मुझे बताओ, क्या किया तुमने दीन के लिए? न टाइम दे रहे हो, न आराम दे रहे हो, कुछ भी तो नहीं कर रहे। यही दीन है जिसके बारे में कब्र में सवाल पूछा जाएगा, मर रब्बो का मा दीनों का। है तैयारी उसकी तुम्हारे लिए? है कोशिश उसके सिलसिले में? होश के नाखून लो, बेदार हो जाओ, जाग जाओ, कदम बढ़ाओ इस तरफ। आज अगर कोई बेदार होकर के इस रास्ते में कदम बढ़ाया, हो सकता है उसको देखकर औरों के कदम भी बढ़ जाएं, और फिर माहौल ऐसा हो जाए हमारी कौम का कोई बच्चा कारी कुरान होने से महरूम न रहे। हर बच्चा कुरान पढ़े। अरे जरा सोचो तो सही, ये कुरान ही तो है, कुरान ही तो है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अस्सियामु बल कुरान यशफियान यौमल कियामा, कुरान शफात कराएगा। आप जरा सोचो, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आज मेरा पैगाम आपकी समातों के हवाले बस यही है, आज से तौबा कर लो, किए हुए गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो। याद रखो आज तौबा कर लो, अल्लाह ने मौका दे दिया है, अल्लाह तौफीक भी अता फरमाए। आज तौबा का मौका है, फिर तौबा का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके रुजू कर लो और गुनाहों से बचने का अहद करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें कि रब्बे कदीर ने फरमाया वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ए ईमान वालों तुम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। और आज यहां से अहद करके उठो, हम हर मोहल्ले के अंदर मकतब कायम करेंगे, सुन्नी सहीहुल अकीदा किसी आलिम के पास आलिम को मुकर्रर करेंगे और बच्चों को वहां पर इल्म इल्म है जो है वो सिखाएंगे, इल्म दीन की दौलत से मालामाल करेंगे। आइए इस अहद के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए अपनी गुफ्तगू को मैं मुकम्मल करूं। आइए सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, 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 रब्बी मिन कुल्ली ذنبٍ وأتوب إليه وما علينا إلا البلاغ المبين। तौबा की एक सूरत ये भी है कि किसी पीरे तरीकत के हाथ में हाथ देकर हम उनके जरिए से गौसे आजम के सिलसिले में दाखिल हों और अल्लाह से जो हमने अहद किया है तो उससे तजदीद वफा फिर करें। हमारे हजरत जिनका खिताब आपने समाअत फरमाया सिलसिले आलिया कादरिया बरकातिया के शेख तरीकत भी हैं, तो जो हजरत के जरिए से किबला कायद मोहतरम के जरिए से गौसे आज़म के सिलसिले में मुरीद होना चाहते हैं
और तौबा करके गौस पाक के सिलसिले में दाखिल होना चाहते हैं, हजरत जैसा पढ़ाते हैं वैसा पढ़ें। खवातीन भी अगर मुरीद होना चाहती हैं गौसे आजम के सिलसिले में तो वो भी मुरीद हो सकती हैं। सरकार गौस पाक के सिलसिले में मुरीद होने का फायदा ये है कि गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पे होता है। तो ये बड़ी सआदत की बात है और गौसे पाक का सिलसिला फिर वो भी बरकाती फैजान के जरिए से मिले, बड़ी सआदत है। तो हजरत मुरीद करेंगे, जैसा पढ़ाते पढ़े, फिर उसके बाद निकाह की तकरीब होगी।